में एक खतरा जो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है वो है डेंगू का। वैसे जानकार मानते हैं कि डेंगू का मच्छर सबसे ज्यादा कूलर के पानी में पनपता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम कूलर को अपने घर से हटा दें और गर्मी में सोते रहें? जी नहीं, हमारे पास एक और रास्ता है, हम एक डेंगू फ्री कूलर अपने घर में लगाएं। अब आप पूछेंगे डेंगू फ्री कूलर वो क्या बना है? जनाब, दिल्ली में एक ऐसे ही कूलर का आविष्कार हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हम साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं, इंजीनियर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई इनोवेशन किसी सरकारी दफ्तर में भी हो सकता है। ये है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के DHO डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, और ये है इनका शानदार आविष्कार, डेंगू फ्री कूलर। देखने में कूलर भले ही आम कूलर लग रहा हो, लेकिन ये है बेहद खास, क्योंकि इस कूलर में डेंगू का मच्छर नहीं पनपता। ऐसा भी नहीं है कि इस कूलर में बहुत बड़े बदलाव किए गए हों। एक बहुत ही मामूली तकनीक के जरिए एक आम कूलर को एक डेंगू रहित कूलर में तब्दील कर दिया गया है। इसमें हमने एक मच्छर दाने वाटर टैंक के ऊपर लगा दिए कूलर के, तो इससे यह है कि मच्छर का कांटेक्ट और पानी का कांटेक्ट ये दोनों सेपरेट कर दिया गया है। तो हमने इसका ये किया कि पानी के कांटेक्ट में नहीं आया तो लार्वा बन पाएगा ना मच्छर बन पाएगा, तो साइकिल को स्टॉप कर दिया ना मच्छर उत्पत्ति होगी तो डेंगू ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। हम आपको बता दें कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में ही पनपता है। एडीज मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं और कूलर के पानी में डेंगू का मच्छर तेजी से पनपता और फैलता है। लेकिन MCD की यह तकनीक इस परेशानी को बेहद आसान लेकिन कारगर ढंग से हल करती है। कूलर में पानी के टैंक को ढकने के लिए प्लास्टिक का एक फ्रेम तैयार किया जाता है, जिस पर मच्छरदानी वाली जाली लगा दी जाती है। उसके बाद इस जाली को पानी की सतह के ऊपर लगा दिया जाता है और चंद ही रुपयों में एक आम कूलर बन जाता है, एक डेंगू फ्री कूलर। ये हमारी जो ये जो नेट आया है कूलर नेट, ये सबसे छोटी रकम का हमने कहा है कि मैंने मिनिमम आप इसको 100 रुपए के अंदर अंदर आप इसको दे दीजिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सक्सेस हो रहा है, सारी ऑल ओवर गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, दिल्ली का उदाहरण सबों के पास जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि डेंगू जैसी बीमारी जो जान की दुश्मन है एक इंसान की, वो इस पे कामयाब हो गए। दिल्ली का एक नमूना लेकर हम पूरे देश में इसको लेके जाएं और पूरे देश के कूलर्स के अंदर इसको हम लगाएं, जिससे हमको पूरे देश के अंदर डेंगू से जो जान की बीमारी है उससे देश को पूरा फायदा हो सके। MCD को उम्मीद है कि इस तकनीक के जरिए बरसात के मौसम में डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस तकनीक को लागू करने के लिए MCD ने कूलर निर्माताओं से बातचीत भी शुरू कर दी है। साथ ही MCD ने ये भी ऐलान किया है कि डेंगू रहित कूलर पर कोई चलान नहीं किया जाएगा। तो अगर आप भी डेंगू के डंक से अपने परिवार को महफूज रखना चाहते हैं तो इस तकनीक का फायदा उठाइए। बारिश की बात कर रहे हैं तो बारिश